अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डाइजेस्टिव बिस्किट्स बनाना सिखाऊंगी। डाइजेस्टिव बिस्किट्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, होल व्हीट फ्लोर 3/4 कप, ओट्स फ्लोर 3/4 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, बटर 60 ग्राम, मिल्क 2 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ओट्स फ्लोर डालेंगे, होल व्हीट फ्लोर, ब्राउन शुगर, बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। इसमें बटर डाल देंगे। बटर याद रहे रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अब इसे हाथों से मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। अब इस डो को हमने अच्छी तरह गूंध लिए। अब इसे 15 मिनट्स के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे और कटर से काट कर बेक कर लेंगे। हल्का सा फ्लोर डालेंगे। बहुत ही एहतियात से आपने इसको बेलना है। इसे कटर से काट लेंगे। किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। अब ट्रे लेंगे और बड़े एहतियात के साथ बिस्किट को ट्रे में
अब ये डो बच गई है, इसको दोबारा हम बेलकर कटर से काट लेंगे बिस्किट्स। हम दोबारा बेल लेंगे। अब ये बिस्किट्स हमने ट्रे में रख दिए हैं, याद रहे फासले से रखने हैं क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो फैल जाते हैं। ओवन को मैंने 180 पर प्री हीट कर लिए, अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। अब इसे ओवन में रख दिए और मैंने इसमें कट भी लगा दिए थे खूबसूरती के लिए। अब ये 18 से 15 मिनट्स में बेक हो जाएंगे। बिस्किट्स बेक हो चुके हैं 18 मिनट्स में, अब हम इसे ग्रिल पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट्स में ये ठंडे हो जाएंगे। बिस्किट्स ठंडे हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।